में तख्ता पलट के बाद हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर भयंकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में ढाका से लेकर फरीदपुर तक सभी शहरों में हिंदू समुदाय कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं, जिससे बांग्लादेश की नई सरकार हिल गई है। हिंदू समुदाय के लोगों से आज अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मुलाकात करेंगे। ढाका में हिंदू उसी शहीद मीनार पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां से पहले छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। यहीं से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग उठी थी। अब यहां हिंदू उनके खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के दूसरे जिलों में भी हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मांग है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जल्द से जल्द हिंदू हिंसा पर लगाम लगाए। बांग्लादेश में इस वक्त ढाका के साथ मैमनसिंह, मदारीपुर, फरीदपुर, मौलवी बाजार, बेगुरा, सुनामगंज में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। इन जगहों पर हिंदू समुदाय के लोग अपने पूरे परिवार के साथ सड़कों पर उतर चुके हैं। हिंदू समुदाय के लोग हाथों में तख्ती और पोस्टर बैनर लेकर अंतरिम सरकार से मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के इन विरोध प्रदर्शनों से बांग्लादेश की नई सरकार हिल गई है। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने 3 दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया है। 84 साल के यूनुस ने गुरुवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। ऐसे में हिंदुओं के इस विरोध प्रदर्शन से नई सरकार के मुखिया भी हिल चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो आज हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस बीच भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध कर रहे हैं। वहां से भारत आए एक हिंदू परिवार ने वहां के हालात के बारे में बताया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच तमाम हिंदू और अन्य लोग भारत आना चाहते हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से मेडिकल ग्राउंड पर भारत आने के लिए वीजा भी मिला हुआ है और वो भारत पहुंच रहे हैं। हालात कैसे हैं ये समझ लेना जरूरी है, हम उन लोगों से बात भी करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हैं कूच बिहार जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल का एक जिला है और बांग्लादेश से सटा हुआ है, और उसके ही एक ICP यानी कि इमिग्रेशन चेक पोस्ट, यानी कि बांग्लादेश से जो लोग वैलिड वीजा पासपोर्ट के साथ आते हैं वो अपने दस्तावेज चेक करा के यहां से भारत की ओर जाते हैं। ये यहां पर एक दंपति है जो अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए वेल्लोर तमिलनाडु जा रहा है और उनके पास मेडिकल वीजा है। उनका बच्चा जो है बीमार है, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनका पासपोर्ट आप हाथ में देख पा रहे हैं और ये देखिए, इनका ये पासपोर्ट एक बार दिखा दीजिएगा। तो ये बांग्लादेश के लाल मुनिहाट जिले के रहने वाले हैं और ये संजीत चटर्जी जी हैं, इनकी पत्नी श्रावणी जी हैं, और इन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या स्थिति, क्या हालात वहाँ पर हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप किस लिए भारत यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं? आप तो मेडिकल के लिए, चिकित्सा के लिए। अभी वहाँ पर चूंकि आप हिंदू हैं, वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या स्थिति है वहाँ पर हिंदुओं के लिए, खास करके कैसा माहौल है अभी, क्या चल रहा है वहाँ पर? আসলে আমি তো ভাষাটা এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারছি না, যদি মানে আপনার, আপনি যেটা বলছেন সে প্রশ্নের উত্তরটা আমি কিভাবে দেবো? আপনার ভাষাটা আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। হিন্দুও কি কে স্থিতি, হিন্দু আর কে বা মহল, হিন্দুদের সমস্যা যথেষ্ট আছে সেখানে। হিন্দুরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ করতেছে, ভেঙে দিচ্ছে, মন্দিরে হামলা করতেছে, মন্দির ভেঙে দিচ্ছে। সেখানকার হিন্দুরা আমরা যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেদিন ঘটনা ঘটে যায় সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত, এই যে গত রাত জেগেছে, রাত পর্যন্ত আমরা কিন্তু ঘুমাইনি, আমি ঘুমাইনি। আমি আজকে সকাল 5টা, ভোর 5টায় বাড়িতে ঢুকি। আমরা গ্রুপ করে করে আমাদের হিন্দু মহল্লাকে পাহারা দিতে হচ্ছে রক্ষার জন্য। হিন্দু মহল্লাকে বাহার পেহারা দিয়ে রয়েছে, খুদি সে সুরক্ষা রক্ষা কর রয়েছে। জি জি, এভাবে আমরা রক্ষা করতেছি। আর তাতেই দেখতেছি যে আমাদের পরিস্থিতি সেখানে তেমন একটা ভালো না, হিন্দুদের পরিস্থিতি আচ্ছি নেই। হিন্দুও কে লিয়ে কে মন্দিরও কো জো মন্দির হ্যায় উনকো নুকসান পৌঁছা গয়া, তোড়ফোড় হুই, উনমে কুছ নুকসান হুয়া মন্দির মে, মন্দির কি কে স্থিতি হ্যায়? মন্দিরেও যথেষ্ট হামলা হচ্ছে, ভাঙচুর হচ্ছে, প্রতিমা ভাঙচুর হচ্ছে, এটা প্রতিনিয়তই চলছে এবং রিসেন্টলি এটা আরো বেশি, অনেক বেশি হয়ে গেছে, অনেক বেশি হয়ে গেছে তুলনামূলক। আচ্ছা আচ্ছা, কাফি জাদা। আপ কুছ বল পায়েঙ্গি क्या स्थिति है, खास करके वहाँ डर का माहौल है, डर लग रहा है वहाँ पर, भय है वहाँ पर लोगों के बीच में? हमरा अनेक आतंक किया सी, परेशान है लोग वहाँ पर, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहाँ पर।
हाँ भाषा की बाध्यता जरूर है, लेकिन जो ये कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि वहां पर खास करके चूंकि अल्पसंख्यक जो हैं वो हिंदू समाज से हिंदू धर्म के लोग हैं और वहां लोग आतंक में हैं, परेशान हैं, मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया उनका ये कहना है। लेकिन वो अभी फिलहाल जो है देखिए वेल्लोर जा रहे हैं उनके बच्चे का इलाज के लिए और अभी काफी दिनों तक यहाँ पर इलाज के लिए रहेंगे, लेकिन की मजबूरी ये है कि आगे उन्हें वापस बांग्लादेश जरूर पहुंचना है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत बांग्लादेश के बीच में ऐसे कई हिस्से हैं जहां पर फेंसिंग नहीं है, वहां से बड़ी संख्या में लोग भारत के अंदर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास वैलिड वीजा नहीं है इस वजह से उनको इस बात की इजाजत नहीं मिल रही। और जिस इलाके में मैं आपको बता दूं कि ये यहां से थोड़ी ही दूर पर ये देखिए उधर बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं, ये पुलिस असिस्टेंट बूथ है इमिग्रेशन चेक पोस्ट चंग्रबांदा का, और यहां पर तमाम इस तरह के जो ऑफिसेज हैं या दुकानें हैं जहां से लोग इमिग्रेशन के लिए दूसरे बांग्लादेश से भारत और भारत से बांग्लादेश आने के लिए कागजी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मदद लेते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि 4 अगस्त के बाद से बांग्लादेश में भारत की तरफ से बहुत कम लोग गए हैं, एक ही व्यक्ति जो है जानकारी मिली थी जिनके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, लेकिन बांग्लादेश से भारत पहुंचकर आने वाले लोगों की संख्या तकरीबन रोजाना 30 40 50 लोगों की है जो लगातार भारत में पहुंच रहे हैं। लेकिन उनकी उम्मीद यही है कि जब तक वहां पर स्थितियां बेहतर ना हो जाए बांग्लादेश में उन्हें भारत में रहने के लिए मौका मिले ताकि वो अपनी जान को सुरक्षित कर सकें।